अपने श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ जब सुबह का उनका जो वॉक था, मॉर्निंग वॉक, वो करते समय एक एक बीच में जाते हैं और वहाँ पे वे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज है और जहाज को एक छोटा बोट रस्सी से खींच रहा है। हरे कृष्णा, सभी को सुनाई दे रहा है? हरी बोल। यस प्रभु जी, यस प्रभु। वाई आर वीडियो ऑफ? यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मेरा थोड़ा इंटरनेट मतलब लैग हो रहा, ओके ओके एक्चुअली मैं बाहर था तो इस वजह ठीक है। अगर ऐसा कुछ स्थिति है तो आप इन्फॉर्म करके वीडियो ऑफ रखना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप सभी को वीडियो ऑन ही रखना चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मॉर्निंग वॉक में श्रील प्रभुपाद जी ने ये दृश्य को देखा। क्या दृश्य था? क्या दृश्य देखे प्रभुपाद जी? एक छोटे पोर्ट मतलब बड़ी पोर्ट को मतलब खींच रही है। एक बड़ा जहाज को, शिप को, एक छोटा बोट खींच रहा था। इसको देख के प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा, क्या देख रहे हो आप यहाँ? हाँ, तो वे सभी सोचने लगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे बहुत सारे दृश्यों को दिखाते थे अपने मॉर्निंग वॉक में और उसके पीछे एक तत्व को सीख के रूप में समझाते थे। भौतिक जगत के प्रति हो, आध्यात्मिक जगत के कुछ सत्य हो, हाँ, उसको समझाते थे। तो प्रभुपाद जी ने ये जब दिखाया और पूछा, क्या समझा आपने? तो वे सब उत्तर कह नहीं पाए। उन्होंने कोई किसी ने कहा कि जहाज शायद नो कुछ रिपेयर के काम में होगा, हाँ, जहाज बहुत नो बड़ा है, उसको आ नहीं पा रहा है वो, हाँ, खुद, क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं होता शोर में, इसलिए वो डर रहा है आने को, ऐसे कुछ कारण बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने समझाया, देखो जहाज जो है इतना बड़ा है, उसका शक्ति कितना बड़ा है, और छोटा बोट, उसका कितना शक्ति होगा जहाज के तुलना में? बहुत कम। पर जहाज को ये छोटा बोट खींच रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? ये कैसे हो पा रहा है? थोड़ा आप अनुमान करिए, कैसे हो पा रहा है? बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जहाज को पोर्ट होता है, वहाँ आने के लिए मुश्किल होता है, उनका पानी गहरा ना होने के कारण वो खुद आ नहीं पाता, इसीलिए बहुत बार ये टग बोट जैसे छोटा बोट्स को जहाज को अंदर ले आने के लिए वे यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको दिखा के वे कुछ समझा रहे हैं। तो छोटा बोट कैसे खींच पा रहा है बड़े शिप को? हाँ, क्योंकि बड़ा शिप जो है अपना इंजन उसने ऑफ कर दिया है ना, उसने अपना इंजन ऑफ कर दिया है और वो उस शक्ति से कहीं चल नहीं रहा है और बोट के हवाले कर दिया है और वो बोट उसको खींच पा रहा है। और प्रभुपाद जी इससे ये तत्व सिखाते हैं कि जो जीव है वो किस शक्ति में आता है, भगवान के तीन शक्तियों में किस शक्ति में आता है? अवस्था शक्ति। चलिए, देखा जाए तो जीव भगवान का अंश है, वो सचेतन अंश है वो, हाँ, पर वो अभी इस छोटा बोट के शक्ति के प्रभाव में आ गया, क्योंकि वो अपने शक्ति को उपयोग, ऐसे ही जीव जो उच्चतर शक्ति का होता है वो माया के प्रभाव में आ जाता है जब वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। देखा जाए तो जीव का शक्ति बहुत बड़ा है, माया तो जड़ शक्ति है ना, माया तो बहिरंग का शक्ति है, पर जीव का शक्ति तो चतुर है।
एटलीस्ट कंपेयर टू माया शक्ति। इसीलिए वो उसका ऐसे माया के प्रभाव ना, ये एक कृत्रिम स्थिति है, वो उसका स्वाभाविक स्थिति नहीं। इसको प्रभुपाद जी समझा रहे थे इस दृश्य से। तो पिछले हम पिछले जो चर्चा में हैं, ऐसी प्रकृति के प्रतीक प्रकृति के आवरण में रह के वो भौतिक इच्छा करती है, जिसको परमात्मा मंजूर करते हैं और बाद प्रकृति उसको कार्यान्वित करती है। हमने देखा ये पिछले क्लास में, है कि नहीं? पर फर्स्ट ऑफ ऑल भौतिक इच्छा कैसे आती है जीवात्मा को, क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है और बहुत प्रकृति उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये इस उदाहरण से समझा रहे थे। तो ये तत्व जो है कि इच्छा करता है और केवल उसका शक्ति उतना ही है, और सब कुछ परमात्मा और प्रकृति से होती है। तो ये समझना ये परमात्मावादी का एक मुख्य साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे निष्काम कर्म योगी उस परमात्मा पे केंद्रित हो रहा है और उसका साक्षात्कार वर्णित है, वो कैसे दृष्टि से तो और उसका कार्य कैसे रहेंगे, तो उसका वर्णन हम आगे के श्लोक में हम पाएंगे। तो हमने ऑफ कोर्स पिछले क्लास में ये देखा है आत्मा परमात्मा और जीव के बीच का संबंध को, और अभी 17-18 श्लोक से 26वें श्लोक तक इस आत्मज्ञानी व्यक्ति जो परमात्मावादी है उसका साक्षात्कार, उसका दृष्टि और उसका व्यवहार का वर्णन होगा। इसको बारंबार हम रेफर करेंगे। तो आइए 17वें श्लोक में वो क्या वर्णन देखेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तद तद मतलब उसके बारे में, मतलब क्या है उस ईश्वर या परमात्मा, उसका शरण लेना। तद्बुद्धयस उसका बुद्धि जो है, इस योगी का बुद्धि उस ईश्वर का आश्रय में है। तद आत्मानः, तद आत्मानः मतलब यहाँ पे उसके मन के बारे में बोध हो रहा है। देखिए आत्मा शब्द, इसका कई सारे अर्थ है। क्या क्या अर्थ हो सकता है आत्मा का, हमने अभी तक बहुत कुछ देखा है इसके बारे में। आत्मा का क्या क्या अर्थ हो सकता है? आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? एक तो रियल मैंने आत्मा तो ओके एक जीवात्मा, और क्या हो सकता है? फिर माइंड माइंड को भी आत्मा कहा मन, जाता मन है ना, है मन। मन मन, आत्मा से मन का भी बोध होता है और आत्मा से बुद्धि का भी बोध होता है। इसके पहले एक श्लोक आपने देखा है जहाँ पे भगवान आत्मा विजितात्मा जितेंद्रियः, ऐसे एक श्लोक आया था 4थे अध्याय में। तो आत्मा से बुद्धि का भी बोध होता है और आत्मा से शरीर का भी बोध होता है। तो आत्मा शब्द शरीर, मन, बुद्धि और अंत में भगवान का अंश जो आत्मा है, चित वस्तु आत्मा, उसका भी बोध होता है। इसीलिए अर्थ को, संदर्भ, किस प्रसंग में ये शब्द का उपयोग हो रहा है, इसको देख के लेना चाहिए। 6वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग श्लोक सुनेंगे आप, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, है ना? वहां पे कितने बार आत्मा शब्द यूज हुआ है, अभी तक चर्चा आई नहीं उसका, पर वहां पे हर आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग है ना? तो कहीं पे आत्मा मतलब मन कहा गया है, कहीं पे आत्मा मतलब बुद्धि कहा गया है। तो यहाँ पे आत्मा मतलब क्या है? तद आत्मानः, आत्मा मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ मन।
तो तद आत्मानः मतलब मन को भी उनके आश्रय में पालन करना, तो बुद्धि को और मन को उस ईश्वर के आश्रय में तन्निष्ठा, अपने निष्ठा या श्रद्धा को उनमें रखना, और तत्परायणा, परायणा मतलब पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, शरण ले लेना। तो देखिए, उस ईश्वर पे अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने श्रद्धा को और पूर्ण रूप से उन पे आश्रित हो जाना, उनके शरण हो जाना, ये चार अंश इस ज्ञानी, इस आत्मज्ञानी में दिख रहा है। और ऐसे करके वो क्या करेगा, अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्तिम, पुनरावृत्ति मतलब बारंबार रिपीट होना, राइट, पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति मतलब ऐसा रिपीट नहीं करना। क्या रिपीट नहीं करना, क्या होता है रिपीटेशन हर एक के जीवन में, क्या होता है हर एक के जीवन में जो बारंबार होता है? जन्म हाँ, जन्म मृत्यु का चक्र। तो वो अपुनरावृत्ति मतलब अभी उस चक्र को उसने रोक दिया, ऐसी स्थिति को उसने प्राप्त किया जहां पे वो चक्र अस्तित्व नहीं है। अपुनरावृत्ति मतलब मुक्ति का स्थिति को वो पा रहा है, इस शरीर में, इस जगत में है, बट ऑलरेडी वो मुक्ति का लक्षण को देख रहा है, क्योंकि उस ज्ञान से और अभी अभी उसने जो साक्षात्कार पाया उससे वो पूर्ण रूप से, वो कल्मष से शुद्ध हो गया, जो भी भौतिक कल्मष होते हैं उससे शुद्ध हो गया, निर्धूत कल्मषा। अनुवाद पढ़िए, जब मनुष्य की बुद्धि, कौन पढ़ रहे हैं, हरिबोल? कृष्णा, हाँ, जब आप ही मनुष्य, पढ़ते जाए। यस प्रभु जी, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, हाँ पढ़िए। श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए, बुद्धि भगवान पे स्थित होना, इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से, हाँ, एक एक ज्ञान के स्तर से व्यक्ति पूरा निश्चित हो जाता है भगवान पे, कन्विक्शन जो बोलते हैं ना, व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञान के स्तर से भगवान के भक्ति में निश्चय, निश्चित हो जाता, स्थिर हो जाता है। मन भगवान के शरण में मतलब उसका तल्लीनता, उसका अब्सॉर्प्शन, वो भगवान में है। मन आकर्षण को ढूंढता है और बुद्धि ज्ञान को ढूंढता है, राइट? तो मन भगवान पे आश्रित हो जाना मतलब वो भगवान के विषय में पूर्ण रूप में तन्मय हो जाना, आकर्षित होके अब्सॉर्ब हो जाना वहां, ये इम्पोर्टेंट है। और श्रद्धा, तन्निष्ठा, मतलब यहाँ पे व्यक्ति का श्रद्धा है, ये श्रद्धा जो है मन और बुद्धि से परे है, ये ऐसे भक्तों के संग से प्राप्त होता है कि भगवान की भक्ति से मेरा पूरा श्रेय होगा। ये श्रद्धा, अपना श्रद्धा भगवान पे आश्रित रखना। और अंत में शरण या परायणा मतलब पूर्ण रूप से भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। कई सारे लोग भगवान पे अपनी बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, भगवान पे आकर्षित भी हो जाते हैं और भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, पर वो सब करके वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या भौतिक चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर भगवान के चरण या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं? तो व्यक्ति तत्परायणा हो जाता है, मतलब भगवान के सेवा को अपने लक्ष्य मानता है। तो ये सारे भगवान पे आश्रित हो जाना मतलब पूर्ण रूप में भगवत केंद्रित बन जाना। तो ये निष्काम कर्म योगी यहाँ पे भक्त के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अभी तक वो जानता था, अपने गुरु से सुना था भगवत ज्ञान को, और वो ऐसे कर्तव्य पालन करते करते
उसने ये साक्षात्कार भी पाया, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के कारण उसने ये साक्षात्कार भी पाया कि परमात्मा कितना महान है, और वो अपने मन, बुद्धि, श्रद्धा और आश्रय को भगवान में केंद्रीकृत कर दिया। और ऐसे व्यक्ति मुक्ति को पा लेता है और पूरा कल्मष उसका चला जाता है। पढ़िए, अतः सभी प्रकार। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व है, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। हाँ, तो मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसका कई बार विस्तार में देख सकते हैं, पर यहाँ पे इतना सीमित रखेंगे कि पूर्ण रूप से वो भगवान पे आश्रित हो गया, भगवत केंद्रित हो गया वो। और ऐसे व्यक्ति का दृष्टि कैसे रहता है उसका वर्णन यहाँ पे। हाँ, उस साक्षात्कार को प्राप्त करने बाद, किस साक्षात्कार को? पिछले जो 13 से 16 नंबर के श्लोक में जो वर्णित है, उस साक्षात्कार को प्राप्त करने बाद कि ईश्वर परम है, उनके आदेश से ही प्रकृति चलती है, वो ईश्वर इतना दयालु है कि वो अपने जीव का जो तुच्छ इच्छा जो है उसको पूर्ण करते हैं, वो उस जीव के अर्हता को देख के। हाँ, और वे निष्पक्षपाती हैं, वे पूर्ण रूप पे वो जीव का श्रेय चाहते हैं, पर क्या करे, जब जीव गलत इच्छा कर रहा है तो उनके साथी बन के रहते हैं। अलग अलग शरीर में भगवान भी जीव जीवात्मा के साथ रहते हैं, है कि नहीं? तो ये साक्षात्कार प्राप्त करके वो उस भगवान पे पूर्ण आश्रित होके उसका दृष्टि इस जगत के प्रति क्या होता है उसका वर्णन अभी 18वां श्लोक से स्टार्ट हो रहा है। तो 18वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रभुपाद जी कोट करते थे कि कैसे व्यक्ति सभी जीवों को आत्मा के स्तर पे, सभी प्राणियों को, सभी जगत में जो भी है, चाहे मनुष्य हो, कृमि हो, जानवर हो, पक्षी हो, या फिर कोई चांडाल व्यक्ति भी क्यों ना हो, सभी को आत्मा के स्तर में देखता है। यहाँ पे आत्मा के स्तर ही नहीं, उस शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा है, ये ज्ञान को वो पूर्ण रूप में समझ चुका है। तो ये जो समान दृष्टि का श्लोक है, ये जो समान दृष्टि का श्लोक है, यहाँ पे परमात्मा का ज्ञान है उस व्यक्ति को। तो यहाँ पे 18वें श्लोक में ये बात चल रही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैवश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति सही में पंडित है। पंडित कैसे? क्योंकि वो देख रहा है जीव आत्मा को और परम आत्मा को। जीवात्मा परमात्मा का अंश है और जीवात्मा ही इस जगत में अलग अलग शरीर को ग्रहण किया है क्योंकि उसका इच्छा था। वो देखता है कि ये जीवात्मा ब्राह्मण के शरीर में है, पर उस ब्राह्मण के शरीर में जीवात्मा के साथ परमात्मा भी है। गाय के शरीर में कभी कभी, पर परमात्मा वहां पे भी है। एक हाथी के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, और ऐसे कोई निम्न अधर्मी चांडाल के शरीर में भी क्यों ना हो, पर सब में परमात्मा जीवात्मा के साथ ही है। ये दृष्टि, इसको समदर्शी कहा है। देखिए, भगवत गीता में समदर्शी या समदृष्टि का अलग अलग स्तर में वर्णन है। एक है सबको आत्मा के रूप में देखना, ये है ब्रह्म साक्षात्कार में समदृष्टि। आपने सुना होगा कुछ श्लोक, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, सुना है आपने? ये ब्रह्म साक्षात्कार का श्लोक जो 18वें अध्याय में कर्मयोग का सारांश में भगवान कहते हैं। और यहाँ पे विद्या विनय संपन्ने, यहाँ पे भी समदृष्टि का वर्णन है, पर ये किस साक्षात्कार में है? यस, ये किस साक्षात्कार के स्तर पे है? ये परमात्मा परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। और इससे भी उच्च दर्जे का, उच्च स्थिति का समदृष्टि है, वो है भक्त का।
हाँ, वो देखता है कि जो भी हो रहा है जगत में, जीवन में, ये सब भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, और भगवान हमारा भला चाहते हुए अपने लिए जो कर्म का फल था उसको कई बार कम करके, हाँ, हमको कुछ सीख देने के लिए, विशेषतः विनम्र बनाने के लिए और भगवान पे आश्रित रहने के लिए वो कुछ घटनाएं हमारे जीवन में कराते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, तत्तेनुकम्पां सुसमीचमानः। सुना है आपने श्लोक? प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक था। भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ये भगवान अनुकंपा से इसको कई बार कम कर चुके, और ये मेरा ही करतूत था, है ना, मैंने ही जो किया था उसका फल है ये, उसको कई बार भगवान कृपा से कम कर दिए और उसको मुझे दे रहे हैं ताकि मैं उनपे आश्रित रहूं और मुझे इस कृपा को सही भाव से स्वीकारना है। हृद्वाग् वपुर्भिर् विदधान नमस्ते, हृदय से, मन से, अपने काया से, हृत्वाग् वपु, सब सभी स्तर से मैं उनका प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ हो रहा है तो मन में भगवान को कोस रहे हैं और बाहर बाहरी बाहर भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होता है वो आंतरिक मानसिक स्तर में भी भगवान को हमेशा नमन करता है, चाहे कितना भी कष्ट में क्यों ना हो। तो ऐसे स्थिति जो भक्त का भगवत साक्षात्कार स्थिति पे है वो है उसका समदृष्टि। तो समदृष्टि का 3 स्तर मैंने कहा, कोई याद करिए किस किस साक्षात्कार का और कौन से श्लोक। ये हाँ ब्रह्म रियलाइजेशन यही हाँ श्लोक है, मतलब सॉरी ब्रह्म रियलाइजेशन ब्रह्म बुद्ध प्रसन्नात्मा से हाँ उचित नमन परफेक्ट, श्लोक ब्रह्म रियलाइजेशन, यस, और परमात्मा रियलाइजेशन से ये विद्या करेक्ट, परफेक्ट। और और डिवोटी का रियलाइजेशन से अत्यानुपम का। हाँ, तो सभी में समदृष्टि एक एक सामान्य गुण है, पर इस गुण के पीछे क्या साक्षात्कार है वो समझना गुह्य बात होता है। तो यहाँ पे जब भी इस श्लोक का वर्णन आता है तो परमात्मा साक्षात्कार का बोध होता है। अनुवाद पढ़ेंगे, पढ़िए अनुवाद प्रभु। विनम्र साधु पुरुष, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा पंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसे वे हमेशा करते हैं उच्चतम ज्ञान को देना चाहते हैं वे, हाँ, तो इस साक्षात्कार को कृष्ण भावना में व्यक्ति कैसे भगवत साक्षात्कार में बहुत सुलभ रूप से पा लेता है उसका वर्णन भी करेंगे। पढ़ते जाइए हाइलाइटेड लाइन्स को। कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना मीटिंग भावित व्यक्ति को इसका तो पूर्ण चालू है ज्ञान, प्रभु। इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। तो ऐसे जीव परमात्मा का उच्चतम स्थिति को देखना ये भक्त का दृष्टि होता है, परमात्मावादी का दृष्टि होता है। तो भगवान एक निम्न शरीर में जीवात्मा के साथ भी क्यों ना हो, पर वे हमेशा दिव्य ही रहते हैं, वे जीवात्मा के जैसे पतित नहीं होते हैं, ये उनका दिव्य स्थिति है। इसको समझ के उस परमात्मा को नमन करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सबके साथ, सबों के साथ वो एक ही तरह का व्यवहार करता है, जैसे ब्राह्मण को देख के वो उनसे कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करेगा,
क्या वो ऐसे बर्ताव करेगा कोई हाथी के साथ या कुत्ते के साथ? नहीं। बर्ताव करना या व्यवहार वो अलग हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर के माध्यम से, उसके शरीर के जो अनुरूप उसका गुण व्यक्त होंगे, उसके अनुरूप व्यवहार भी होगा एक ज्ञानी का। जैसे कोई चांडाल है, क्या उनसे कुछ सुनना चाहेंगे क्या ये पंडित? नहीं। हाँ, पर उनको देखेंगे कि हाँ, ये भी परमात्मा यहाँ पे भी वास कर रहे हैं, पर ये जीवात्मा ने इसका स्वतंत्रता को, अपना स्वतंत्रता को गलत उपयोग किया है। ये दृष्टि इस जीवात्मा, इस पंडित या परमात्मावादी का, तो समान दृष्टि, इसका अर्थ ये नहीं कि समान व्यवहार, नहीं, व्यवहार अलग अलग होंगे उस जीव का चेतना के को देखते हुए। अगर कोई महाभागवत है तो उनको तो पूर्ण रूप से सेवा करके, उनसे श्रवण करके, उनका संग का लाभ लेना चाहिए, है ना? यदि कोई भी भक्त है तो उनको नमन करके अपने प्रणाम व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान नाम का जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है। हा? पर विशेष रूप में कोई महाभागवत या कोई बड़े वरिष्ठ वैष्णव है तो उनका सेवा करके उनसे श्रवण करने का इच्छा रखना चाहिए। तो यहाँ पे व्यवहार के स्तर पे अलग हो सकता है, पर दृष्टि परमात्मा के स्तर पे सभी पे है ही, परमात्मा साक्षात्कार के अनुरूप तो है ही। तो ये कहने के बाद भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे देखते हुए व्यक्ति अपने सभी कल्मष को वो नाश कर देता है, और ऐसे समदृष्टि उसको ब्रह्म स्थिति पे ले जाता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। ऐसे दृष्टि से वे वो खुद अपने दोष से मुक्त हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, वो जो ब्रह्म का गुण है, मतलब आध्यात्मिक स्तर वो प्राप्त कर लेता है। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता, नीचे पढ़िए अनुवाद, जिसके मन, जिनके मन, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे नीचे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। पढ़िए जैसा कि ऊपर। हाँ, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। उसे मानसिक इस समता मतलब दूसरों को देखने की दृष्टि, और जो अपने जीवन में जो घटनाएं हो उसको स्वीकारने का दृष्टि, दोनों तरफ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, है ना, उस रूप में समता रखना। नीचे पढ़िए दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। हाँ, निर्दोषम ही समम ब्रह्म शब्द भगवान कहते हैं, जीव निर्दोष बन जाता है पूर्ण रूप से। जो भी दोष थे उसके भौतिक अस्तित्व के कारण, वे सब नाश हो जाते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। और ऐसे होने बाद वो जो भी जीवन में होता है उसको समान रूप से स्थिर बुद्धि से वो स्वीकारता है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो ब्रह्मणि स्थितः पिछले श्लोक में भी आया है, तो पर उसका लक्षण कैसे कैसे होंगे, उसका दृष्टि कैसा होगा, उसको वर्णन किया जा रहा है। कैसे दृष्टि होगा? न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, अगर कोई पसंदीदा चीज या व्यक्ति का संग पाता है तो वो प्रहृष्येत, मतलब वो अति आनंदित नहीं होता, अति हर्षित, प्रहृष्येत मतलब क्या बोलते हैं, एक तीव्र आनंद रखना, रिजॉइसिंग एक्सट्रीमली। न उद्विजेत च अप्राप्य अप्रियम, अगर वो कुछ अप्रिय वस्तु को पाया, अप्रिय प्रतिक्रिया को लोगों से या संदर्भ से पाया, तो वो उद्विग्न नहीं होता। न उद्विजेत, उद्विग्न मतलब यहाँ पे शोक करना या कोसना ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका बुद्धि स्थिर बुद्धि,
और उसके कारण असम्मूढ़, हाँ, वो मूढ़ नहीं बनता। और उसने भगवान को जान लिया, ब्रह्मविद मतलब परमात्मा को जान लिया ब्रह्मविद, इसलिए ऐसे स्थिति में हुए। पढ़िए, जो ना तो जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो व्यक्ति ऐसे योगी या भक्त भी एक सामान्य व्यवहार के रूप में हर्षित हो सकता है या दुखित हो सकता है, पर ऐसे भावनाएं आध्यात्मिक साधना में बाधा नहीं बनते। अर्थ यह है कि अगर वो प्रिय नहीं होता या अप्रिय मतलब वो हर्षित नहीं होता या विचलित नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं कि वो एक पत्थर जैसा निर्जीव बन गया ना। उसमें भावनाएं तो है ही, पर वो भावनाओं को वो भगवान पे केंद्रित कर दिया है, और इस जगत में जो भी होता है उसमें वो भावना के स्तर पे अपने को सन्नद्ध नहीं करता, देखता है हाँ कुछ हो रहा है, इसको स्वीकार, जो आया उसको स्वीकारो, मत जो नहीं हुआ उसके ऊपर कंप्लेन मत करो, अपने कर्तव्य को आगे करते जाओ। इस रूप में वो विचलित नहीं होता, अति हर्षित भी नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ये भक्तों में बहुत पूर्ण रूप से दे सकते हैं, ऐसे द्वंद्व में अविचलित रहना। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मुझे भगवान ने दो बार परीक्षा की। पहले बार भगवान सब कुछ छीन लिए मेरे से। आपको पता होगा श्रील प्रभुपाद जी भारत में जितना प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का, सब कुछ असफल असफल हो रहा था, है ना। अपने व्यवसाय में अपना जो फैक्ट्री था फार्मेसी का, उसमें तो बहुत लॉस पाया उन्होंने, और साथ ही साथ फैमिली में परिवार में भी उनका कुछ सहाय या सहयोग मिला उनको उनसे, और जो अपने गुरु के देहांत के बाद उनके तिरुभाव के बाद संस्था के स्तर भी उनको कुछ सहयोग नहीं मिला, अकेले हो गए और बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको। भगवान का वो एक परीक्षा था, और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मेरा मेरे में जो भगवान का पहला परीक्षा था। किसी को याद भगवान दूसरा परीक्षा कब दिए भगवान प्रभुपाद जी को, किसी को याद है प्रभुपाद जी जो भगवान का दूसरा परीक्षा कब? बोट में जा रहे थे जब जलदूत में थ्री आके वो उसको भी पहले परीक्षा जाता है, क्योंकि तब भी प्रभुपाद जी एक तरह से पूर्ण रूप में देख। एक एक पॉपर जैसे थे, है ना, सब कुछ मतलब पूर्ण रूप से वे निश्चिंत थे, कुछ भी नहीं था उनका। तो प्रभुपाद जी कहते थे दूसरा परीक्षा भगवान ने तब किया जब वो इतना सारा धन, इतने सारे अनुयायी, इतने सारे मंदिर, इसका उसका निर्वहन वगैरह वो सब मुझे दिए, और भगवान मेरा उसका परीक्षा होता। तो पहला परीक्षा जो चाहते थे वो नहीं था, और दूसरा परीक्षा बिना चाहे इतना कुछ भगवान दे दिए, और भगवान देख रहे थे मेरा भक्त कैसे व्यवहार करे। और प्रभुपाद जी ने क्या किया उस समय, सब कुछ भगवान के गुणगान में उन्होंने उपयोग किया, और सब कुछ अपने शिष्यों के को उन्होंने समर्पण कर दिया। शिष्यों ने इतना सहयोग दिया है, मेरे गुरु महाराज इन शिष्यों को भेजे हैं, मैं मेरा गुरु महाराज को देखता हूँ इन शिष्यों के रूप में, अपन ना पूर्ण रूप में प्रभावित नहीं थे इतना यश मिलने बाद भी। तो ये है भक्त का यू नो अविचलित रहना द्वंद्व में, यश मिले या अपजय मिले, गुणगान मिले या तिरस्कार मिले, जो भी हो वो हमेशा भगवान पे स्थित रहता है। मतलब उन भावनाओं को अनुभव करना ये सहज है, वो भावनाएं जो हैं दूसरे आध्यात्मिक कार्यों में वे कभी बाधा नहीं दे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का वर्णन
नीचे में हैं। पढ़िए तात्पर्य यहाँ पर। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। तो वो पूर्ण रूप में जानता है कि ये तीन स्तर है परम परम सत्य का साक्षात्कार में। इसको समझ के इस जगत के प्रति एक समभाव रखता है और द्वंद्वों में वो समबुद्धि स्थिर बुद्धि रखता है। और ऐसे व्यक्ति उसके जीवन में जब कुछ प्रलोभन आए तो वो कैसे बर्ताव करता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो बाहरी स्तर पे वो ऐसे विषय वस्तुओं का अन्वेषण या तरस नहीं रखता। बाह्य स्पर्शेषु आसक्त मतलब उनके संयोग के लिए वो तरसता नहीं, आसक्ति नहीं है उसका। बाह्य स्पर्श स्पर्श हियर स्पर्श मतलब यहाँ पे इंद्रिय विषय आदि है ना। स्पर्श और क्या क्या है इंद्रिय विषय पांच है ना। इंद्रिय विषय क्या क्या है और स्पर्श हो गया एक। रूप हाँ स्पर्श रूप रस गंध शब्द है ना। तो स्पर्श यहाँ ये इस शब्द से उन पांचों का संबोधन होता है। बाह्य स्पर्शेषु आसक्त आत्मा और विशेष रूप में भगवान यहाँ पे स्पर्श को उल्लेख किए हैं क्योंकि स्पर्श किस इंद्रिय के इंद्रिय विषय है वो किस इंद्रिय का इंद्रिय विषय हो अच्छा स्पर्श अच्छा त्वचा। और त्वचा हमेशा का सुख चाहती है ना। जो बहुत ही प्रबल प्रलोभन है इस जगत में विशेष रूप में भगवान उसको मेंशन करते हैं। काम का जो इच्छा है जीव में जब तक वो पूर्ण रूप से मुक्त हो के आध्यात्मिक जगत नहीं जाता तब तक उसका प्रभाव एक ना एक रूप में रहता है ना। तो इसीलिए भगवान उसको यहाँ पे विशेष रूप में उल्लेख करते हैं। और उस स्पर्श से बाकी इंद्रिय विषय का भी बोध होता है ऐसा नहीं पर मुख्य रूप से स्पर्श। तो बाह्य स्पर्श आसक्ता ये पहला। और इससे क्या बोध होता है वो उस स्तर से क्यों कैसे कर रहा है वो बाह्य स्पर्शेषु आसक्ता क्योंकि आत्मनि यत् सुखम वो अंदर ही अंदर अंतरंग में वो सुख का अनुभव कर रहा है उस ज्ञान के स्तर पे भक्ति के स्तर पे भक्तों के लिए हा? और जिससे सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा और उस परमात्मा या भगवान के साथ हमेशा उसका संबंध है युक्त आत्मा हमेशा वो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। और जिससे अक्षयम सुखम अश्नुते अनंत सुख का अनुभव कर रहा है। अक्षय अक्षय मतलब जो नाश नहीं होता उसका अनुभव कर रहा है। तो ये जो 22वां श्लोक है प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे कैसे एक योगी भगवान साक्षात्कार का मतलब परमात्मा साक्षात्कार यहाँ पे मतलब बेसिकली व्यक्ति साक्षात्कार भगवान का साकार साक्षात्कार जो है उसको प्राप्त करने बाद वो इस जगत के प्रति अनासक्त बन जाता है चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन भी क्यों ना हो। जैसे हम श्री हरिदास ठाकुर जी के जीवन में देखते हैं किस किस तरह के प्रलोभन उनको आगे रखा गया उनके आगे बट फिर भी वो आंतरिक भगवान के नाम जप में इतना आनंद ले रहे थे अक्षयम अश्नुते और उससे वे भगवान से हमेशा जुड़े थे ब्रह्म योग युक्त आत्मा। और इजिली बहुत सुलभ रूप में वो उस स्पर्श इंद्रिय विषय से वो प्रभावित नहीं हुए। तो ये स्तर परमात्मावादी को मिलता है और पूर्ण रूप में ये भक्त में देख पाते हैं। अनुवाद पढ़िए।
ऐसा मुक्त पुरुष। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये परमात्मावादी का साक्षात्कार है, पर ये साक्षात्कार भक्त के जीवन में पूर्ण रूप में कैसे देखेंगे हम, एक भक्त का उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाते हैं कितना वो इंद्रिय विषय के प्रति अनासक्त है। एक यमुनाचार्य जी का एक प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हैं, ये श्लोक आप इन पहले 6 अध्याय में कई बार पाओगे, पहले भी देखे हो, याद है आपको, आया था ये श्लोक, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम्युद्यतम रन्तुमासी तदवधि वदनारि संगमे स्मर्यमाने भवति मुखविकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। यमुनाचार्य जी एक बहुत बड़े आचार्य है श्री परंपरा में, रामानुजाचार्य के गुरु हैं वे, तो वे एक बहुत बड़े राजा थे उनके पूर्व आश्रम में, और वे जब वे अपने भक्ति का अवसर उन्होंने पाया उनके गुरु से, और तब से उन्होंने भक्ति को पूर्ण रूप में उन्होंने स्वीकारा और पालन किया, और उस भक्ति के पालन में इतना वो सुख का अनुभव कर रहे थे, इतना नव नव रस धामन युद्यतम रन्तुमा, हर दिन नए नए भगवान के भक्ति में अलग अलग रस का अनुभव, भगवान के सेवा में उनके आदान प्रदान से इतना अनुभव वे पा रहे थे। कृष्ण पदारविंदे, कृष्ण पदारविंदे, और ऐसे जब सुख में रहते हैं, दिव्य आनंद में रह रहे थे, तो कभी कभी उनके पूर्व स्मृति से, पूर्व अनुभव की स्मृति से अगर ऐसे भौतिक सुख का भी कुछ सोच आता, तदवधि नारी संगम स्मर्यमाने, तो उसको वो इतना घृणा से, इतना उसको द्वेष करते, उस सोच को, उस विचार को उसके ऊपर थूक देते। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उस व्यक्ति के ऊपर थूकना है, नहीं, यहाँ पे उस विचार को थूकने का बात हो रहा है। नारी संगमे स्मर्यमाने, ऐसे जो विचार है उस पे वे सुष्ठु निष्ठीवनम च। तो ये योगी या भक्त जो है वो भगवान रहित जो भी अनुभव है इस जगत में, जिसका मुख्य अभिव्यक्ति तो काम है, उसके ऊपर थोपता है, उसको द्वेष करता है, भगवान के बिना कोई भी अनुभव नहीं पाना चाहता वो। पढ़िए, भौतिकता की दृष्टि में बौद्धिकता की दृष्टि में काम सुखी सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्णा भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित। नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते थे बहुत बार कि व्यक्ति जब ना वो अपने इस काम वेग को वो कंट्रोल करेगा, उतना वो भक्ति में सशक्त बनेगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना, आत्म साक्षात्कार और काम सुख कभी साथ न साथ नहीं चलते। हाँ, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आत्म साक्षात्कार का जो, या भगवत भक्ति का जो प्रयास में, जो अग्नि जैसा है उसको काम सुख के प्रयास, जिसको पानी जैसा कहा गया है, उससे हमें बुझाना नहीं चाहिए। अग्नि को जलाते हुए जलाए रखने का प्रयास है हमारा, है कि नहीं, और उस प्रयास में बीच में पानी डाल दिया तो क्या होगा, बुझ जाएगा ना। तो ये पानी कैसा है, ऐसे इंद्रिय संतुष्टि का जो प्रयास है वैसे। तो हमें बहुत प्रामाणिक रूप में प्रयास करना चाहिए कि भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करें, और ऐसे इंद्रिय दृष्टि के कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए। जितना हम दूर हैं उतना हम भक्ति के प्रभाव को बहुत जल्दी महसूस करेंगे, और ऐसे व्यक्ति उसका और क्या दृष्टि है, यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एवते
आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूर न ते बुध, क्योंकि वो जानता है कि इस जगत के संसर्ग में जो भी अनुभव है वो सब इस लक्षण से है। क्या लक्षण है? दुख योनया। पहला लक्षण, इस जगत में जो भी अनुभव है, भौतिक अनुभव, भौतिक इंद्रियों का तुष्टि जो है, ये प्रयास जो है, वो सब पहला है दुख योनि। पहले वो आनंद जैसा दिखेगा, पर वो क्या है? वो दुख का योनि है। वो मतलब इतना दुख उससे पैदा हो जाता है। पहले वो सुख जैसा दिखता है, पर वो दुख का जन्म देता है। तो दुख है जो भोग है इस जगत में, दुख है। लक्षण आदि अंत अंत आद्यंत अंत, उस अनुभव का आदि है और अंत भी है। क्या क्या है? वो आदि भी है, उसका अंत भी है। मतलब वो क्षणिक है, वो तात्कालिक है। और एक और आप सोच सकते हो, वो हमें जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रूप में वो हमें संतुष्टि नहीं देगा। तो ऐसे लक्षणों को देख के व्यक्ति उनमें रमता नहीं, न तेषु रमते बुधा। ये परमात्मा आदि जानता है इस जगत के अनुभव के लक्षण क्या है, इस जगत में जो भी भोग है उसका लक्षण क्या है। वो दुखमय है और वो अशाश्वत है। अनुवाद पढ़िए, बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक हाँ इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। बुधा न रमते, तात्पर्य क्या पढ़िए, भौतिक। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। तो ऐसे वो अपने आंतरिक स्तर पे उसका दृष्टि है इस जगत के प्रति, इस दृष्टि का वर्णन है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आगे और भी लिखते हैं कि कैसे ये व्यक्ति इस जगत के भोग में वो अनुरक्त नहीं है, उस पे वो रमता नहीं है। उसका रमण तो आध्यात्मिक तत्व में है। अपना रमण मतलब अपना वेलिंग, रमण का वो तो हमें भगवान राम में या राधा रमण में रहना चाहिए, क्योंकि वे आध्यात्मिक सुख का पूरा आगार है, वे पूरा स्रोत है वे। तो उन पे अपना पूर्ण रूप का जो तल्लीनता रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ये श्लोक भी कोट करते हैं, इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते रमन्ते योगिनो अनन्ते। योगी लोग उस राम में, उस रमण में वे रमते हैं, इसलिए उनका नाम है राम या रमण, है ना। तो प्रभुपाद जी उस श्लोक को कोट करते हैं। और इस जगत में जो भी भोग है वो कैसा है? वो केवल वो सुअर ऐसे प्राणियों के जैसा है, वे भी कर रहे हैं, इतना तुच्छ है वो। न अर्हते विड़भुजाम, ऐसे प्राणियों का कार्य ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य योनि मिलने बाद उसको शुद्धेत सत्वम तपः दिव्यम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि, उसको दिव्य तप करना चाहिए कृष्ण भावनामृत का, और अनंत ब्रह्म सुख का प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लीजिए, आता है जो यथार्थ योगी। तो जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। वे भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। मिलते हैं, तो जितना हम आसक्त होंगे उतना ज्यादा दुख मिलता है। ये समझ के व्यक्ति उसका दृष्टि इस जगत के ऊपर आसक्ति से नहीं है। तो इन श्लोकों में जो आज हमने देखा 18 से 22, इनफैक्ट 17 से हमने 17वें श्लोक में हमने देखा, वो व्यक्ति पूर्ण रूप में भगवान पे परमात्मा पे आश्रित बन जाता है। और यहाँ 18 से 22 ये उस व्यक्ति का दृष्टि का वर्णन है। क्या ये पढ़ लेंगे? इसको पढ़ के हम अंत करेंगे अपने आज का सेशन।
सभी जीवों की, आत्मज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि। आत्मज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि, सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि, चाहे कोई भी प्रजाति हो, भौतिक के प्रति कोई आकर्षण विरोध नहीं, इस प्रकार वह भगवान की तरह निर्दोष और निष्पक्ष है। भौतिक घटनाओं के लिए कोई खुशी शोक नहीं, बुद्धि स्वयं में स्थित है और व्यक्ति ईश्वर के विज्ञान को जानता है। पूर्ण सत्य के 3 स्तरों और जीवात्मा का मूल स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानता है। इंद्रिय तृप्ति की ओर कभी आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि वह समझता है कि इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क ही दुख और भौतिक अस्तित्व का स्रोत है। इंद्रिय सुख अस्थाई और सीमित है। वह भीतर अत्यधिक खुशी का अनुभव करता है, उच्च स्वाद। तो ये 24वें श्लोक में आएगा, वहां पे इनफैक्ट 23वें श्लोक से आगे के जो 4 श्लोक है वहां पे व्यक्ति कैसे इस जगत में, इस जगत के प्रति कैसे कार्य करता है, बेसिकली इस जगत के प्रति वो सहनता का भाव रखता है और उसका दृष्टि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का ही रहता है। तो ये परमात्मावादी का साक्षात्कार, एक कर्मयोगी का उन्नत अवस्था, उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और उस ईश्वर का, परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त किया, और उस स्थिति में वो ऐसे दृष्टि को दिखा रहा है और ऐसे गतिविधियां या व्यवहार को दिखा रहा है, और वहां से वो उस परमात्मा को प्राप्त करता है। आगे के सेशन में हम ये देखेंगे। मैं सोचा था आज ये कर देंगे हम, पर शायद कुछ तो चर्चा में मैं खो गया। ठीक है, हरे कृष्ण। आज कुछ क्वेश्चन या कमेंट? हाँ, हरे कृष्ण। तो कल हम करेंगे क्लास, हाँ कल आगे का कुछ भाग को कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट डू यू से, प्रभु इज नॉट हियर? यस यस रोडी, हाँ यस रोडी, कल कल कर सकते हैं, 1 घंटे। कल भी 1 घंटा कर लेंगे। कल थर्सडे है। आपको फ्राइडे कैसा है, आपको फ्राइडे टाइमिंग? फ्राइडे टू इधर मतलब हमारा ऑफलाइन क्लास रहता है। ठीक है, देन फ्राइडे नहीं करेंगे। उसके बाद मंडे को मेरा 2 घंटे का टाइम है, मुझे उस दिन मुझे मेरा क्लास नहीं, पर ट्यूसडे से मैं अगेन फिर से एंगेज होगा। तो देखेंगे, कल करेंगे 1 घंटे का क्लास, और मंडे मंडे करेंगे। मंडे हाउ इज योर स्केड्यूल? यस मंडे को आईवाईएफ मीटिंग रहता है हमारा प्रो, तो थोड़ा टाइम हम ऊपर नीचे करके वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। थोड़ा मतलब लेट करेंगे तो फिर हो जाएगा। सवेरे प्रसाद के बाद तुरंत आईवाईएफ मीटिंग रहता है जनरली। हाँ, कितने बजे से करना चाहिए देन? आपको कौन सा टाइम जी कंफर्टेबल रहेगा, उस हिसाब से मैं इधर आईवाईएफ मीटिंग का शेड्यूल तो रख दिया पहले था। का टाइम था 12, 12 हो वेरी सकता है, गुड, तो 12 to 2 12 to 2। ओके ओके या मैडम, मैं 12:30 at max वी कैन गो। 3 o'clock मेरा भी क्लास है। तो ओके 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 मैडम, चेक मैं करके बताता हूँ बोलो मैडम। आप, हाँ यस चेक करके बोलो कैसे हैं। बट आई एम अवेलेबल दैट मॉर्निंग स्लॉट। ओके वेरी यस ओनली वी विल स्टार्ट 6th chapter एंड एंटर अ किस मिड ऑफ इट, देखेंगे। तो मेरा एक सबको अनुरोध है, आई विल जस्ट डिस्क्लोज द डेट टू प्रभु, 1 day 1 class इन विच ऑल ऑफ अस कम एंड डू श्लोका टेस्ट। ठीक है, टोटल 12 श्लोक है, 12 या 13 श्लोक। एक ही श्लोक बचा है मैंने अभी तक दिखाया नहीं, जो 6वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, 6:47 है। तो वो आप, वो भी प्रसिद्ध श्लोक है, वो कर ही देंगे आप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर श्लोकस वी हैव सीन। ओके, सो आप सब तैयार हो जाओ, सब कुछ ठीक से पाठ करके अनुवाद के साथ रेडी रहो। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम वो एक डेट देख के मैं प्रभु से बात करके वो स्केड्यूल कर देंगे। ठीक है, वी विल नॉट वेट टिल द एंड ऑफ द यूनिट। ओके, साथ साथ ही करते जाएंगे, देखेंगे कैसा होगा इसे। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जी। कृष्ण।